15 दिन भी 20 दिन भी करते हैं अच्छा, तो 20 दिन में भालू कम से कम एक दो बार ही दिखेगा, और अगर एक बार भी दिख गया तो बहुत ही बड़े रेयर बात है। या हमारे सर हैं, तीन तीन नेट अपना यहाँ पे हम करते हैं अच्छा, पर भालू सर मेरे ख्याल से अभी तक हमें दिखे नहीं है। शुरू कर रही थी, इसका बेसिकली मोटिव यही था कि लोगों में अवेयरनेस आए कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और नेचर क्यों इम्पोर्टेंट है। जो दिल्ली बम्बई चेन्नई बड़े बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं जहाँ पे जंगलों की कमी है, बिल्कुल इससे अवेयर कराया जाए कि नेचर क्यों, मेन फ्रेश ऑक्सीजन भी नहीं है, फ्रेश ऑक्सीजन नहीं है और ये हमारी ऑक्सीजन जो फैक्ट्री है जंगल। नमस्कार, मैं दीपक जिम कॉर्बेट से। दोस्तों, ये जर्नी मेरी आज से 30-35 दिन पहले की है। उस टाइम मेरे पे वीवो V29 प्रो मोबाइल था, तो ये मैंने उसी से वीडियो बनाई थी और ये वीडियो का डाटा मेरा डिलीट हो चुका था, तो मुझे बहुत ज़्यादा लेट में ये डाटा मिला। तो इस वीडियो को मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें बहुत ज़बरदस्त साइटिंग हुई थी, तो तब मुझे ये डाटा कहीं ना कहीं से चाहिए था, तो ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। परमिट चेक करके हम निकले आगे की ओर, और जो ये सामने से नीचे को रोड गई है ये ढेला जोन को गई है, जहाँ ढेला फॉरेस्ट कैंपस है। हम सीधे आगे की ओर चलेंगे। झरना सवारी में दो गेट में एंट्री होती है, पहला है ढेला गेट और दूसरा है खारा गेट। अभी जो ये रोड है ये ढेला की रोड है। झरना वालों को थोड़ा बेनिफिट ये मिल जाता है कि हम 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा ढेला का जंगल देख सकते हैं। इस रोड में आपने कई सारी वीडियो देखी होगी, मैंने काफ़ी सारे शॉट अपलोड किए हैं इस रोड के। यहाँ टाइगर सेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, इस रोड में टाइगर मिल ही जाता है। आज से कई साल पहले यहाँ गांव हुआ करते थे, जो कि गवर्नमेंट ने हल्के हल्के करके उनको जंगल से बाहर की सुविधा दी। और जो ये सामने से रास्ता जाता है और ये आगे से नदी जाती है, ये अमानगढ़ टाइगर रिजर्व की ओर जाती है। ये पूरी नदी है जो ये अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में जाती है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व यूपी का क्षेत्र है, पहले से इसकी बुकिंग उत्तराखंड में ही होती थी, जो कि अब अमानगढ़ टाइगर रिजर्व ने अपना खुद का एक गेट बन चुका है जो कि है यूपी में अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। ढेला गेट में परमिट चेक होके अब हम दूसरे गेट में आए हैं, जो कि है खारा गेट। यहाँ अपना परमिट दिखाएंगे, हम प्रॉपर झरना जोन के अंदर एंटर हो चुके हैं। ये जो सामने से चौकी है ये खारा गेट। परमिट चेक होने के बाद हम निकल पड़े हैं अपनी झरना जोन की सफारी की ओर। तो यहाँ से झरना गेट एकदम प्रॉपर स्टार्ट हो जाता है। झरना जोन के बारे में मैं बहुत ज़्यादा सुना था, ढिकाला जोन के सेकंड नंबर पे झरना जोन आता है क्योंकि यहाँ टाइगर सेटिंग अधिकतम ज़्यादा होती है। और जो ये सामने से नदी है ये अमानगढ़ टाइगर रिजर्व की ओर जा रही है। झरना जोन से एंटर होके ही 50 मीटर आगे आने के बाद हमको ये स्पॉटेड डियर का हट दिखा। हमारी स्टार्टिंग स्पॉटेड डियर से हो चुकी थी, हम बढ़े फिर आगे की ओर और जंगल काफी खूबसूरत है।
टाइगर दिखना ना दिखना वो हमारा बाय लक है। जंगल आए जंगल को एंजॉय करेंगे, अगर माइंड पे टाइगर सेट रहेगा तो हम ये नेचर का मजा नहीं ले सकते। हम अपने कैंपस की ओर आ चुके हैं और हमने यहाँ अपना बैग रख लिया है। जो हमारी टाइमिंग होगी वो होगी हमारे 1:30 बजे से स्टार्ट जिन्ना जोन की। आज रात हमारी यही नाइट स्टे है, तो अभी हम इधर कैंपस के बगल पे हैं। तो ये रहा कैंपस ओल्ड एफआरएच, और सुबह काफ़ी बारिश हुई थी तो मौसम थोड़ा बदला जैसा है। बारिश में सेटिंग होना बहुत रेयर जैसी है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छी सेटिंग दिखे। यह है ओल्ड एफआरएच 1908। और ये जो सामने है ये है बरगद का पेड़। अब चलते हैं अपने रूम की ओर, जो कि आज आज हमारा यही स्टे है। अपना रूम दिखाते हैं आपको, झरना जोन कैंपस। इसके अंदर दो रूम है और बगल वाला रूम हमारा है। तो इधर है अपना डबल बेड और अपने बैग इधर रख दिए हैं, और कुछ इस तरीके से है रूम हमारा। और ये बाहर से इस तरीके का नज़ारा, और ये रहा हमारे रूम का वॉशरूम। वॉशरूम थोड़ा बड़ा था, अच्छा था। अब आपको अपनी सीधे सफारी की ओर ही मिलेंगे। हम अपनी सफारी के लिए हो गए थे रेडी, बस 5 मिनट में यहाँ से निकलना था। हमने मैगी ऑर्डर की थी, मैगी खा के हम सीधे यहाँ से निकलने के लिए रेडी थे। और यहाँ हमें बताया गया था कि यहाँ 8 से 10 टाइगर हैं, जो कि जो दिखते हैं वो 6 टाइगर हैं। तो इधर एक रिवर है, वहाँ से टाइगर बहुत ज़्यादा दिखता है। शाम को कई सारे लोगों ने वहाँ से टाइगर देखा है, कैंपस से ही टाइगर दिख जाता है। तो हम चलते हैं सीधे अपनी सफारी की ओर और मिलाते हैं आपको जंगल चटनी से। हो गई थी हमारी सफारी स्टार्ट, और अभी हमारे साथ आएंगे गाइड, जो कि सामने से आ ही गए हैं। तो गाइड को लेते हैं फिर निकलते हैं अपनी जर्नी की ओर। पहले गाइड जी से आज के बात गाइड कर लेते हैं। हेलो सर, माय सेल्फ रंजीत। सर आपका शुभ नाम? रंजीत। अच्छा तो आप रंजीत अंदर से ही भैया, मिलते हैं जी? अरे वाह, मेरा नाम रंजीत है, मैं आपके साथ नेचर गाइड हूँ ठीक है जुगर सर। नेशनल पार्क से। हाँ जी, और पहले तो झिरना जोन में वेलकम आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी देखते हैं क्या क्या बार मार। और क्या है पहले मूवमेंट, अभी कहाँ को चले? अभी सर एक पार्क का एरिया, नदी पार्क का, कठपुतलिया देखते तरफ। हैं। हाँ कठपुतलिया की तरफ पार होते हुए जाते हैं ना। ठीक है सर, देखते हैं क्या क्या दिखता है। आप सुबह गए थे? ना सर मॉर्निंग में नहीं गया था, नहीं गए, बारिश हो गई ना बारिश। हाँ, तो सुबह कल की क्या मूवमेंट थी? कल पार में ही था मूवमेंट, पार में था। हाँ एक टाइग्रा से यहाँ पे काफी यूज टू है। हाँ जी, उसमें मूवमेंट अच्छा है पार में। ठीक तो है, थोड़ा ट्राई करते हैं, देखते हैं पगमाग वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं। ठीक है भैया, थैंक यू। पहली हमारी साइटिंग स्पॉटेड डियर से, फर्स्ट साइटिंग स्पॉटेड डियर। ये आगे मंकी बहुत अच्छी धूप खिल गई दोस्तों। हाँ आज मूवमेंट अच्छा होगा क्योंकि धूप अच्छी खिली हुई है ना। हाँ जी हाँ, सुबह तो बहुत बारिश थी। सुबह बारिश थी, ज़्यादा तो नहीं थी मतलब, फिर भी बारिश काफ़ी थी तो उसमें हो नहीं पाता इतना साइटिंग का। हम तो फाटो में थे, हमारी तो सफारी कैंसिल हो गई। हाँ वही हुआ था सफारी, सुबह जो भी सफारी हुई थी बारिश की वजह से थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुई थी। हाँ जी हाँ, शाम को धूप अच्छी आई है तो उम्मीद है कि अच्छी साइटिंग हो। ठीक है, देखते हैं क्या क्या दिखता है। हाँ जी अच्छा जी। अच्छा ये टावर पे लगे हैं क्या कैमरे? हाँ ये कैमरे लगे हुए हैं सारे। अच्छा
गाइस इसमें टावर दिख रहा है ना, जीपीएस शुरू होता है उसके लिए, कैमरे लगे गए हैं, कैमरे पेट्रोलिंग के लिए लगे होते हैं ताकि कोई ऐसी मूवमेंट ना हो जो इलीगल मूवमेंट होती है ना। हाँ जी हाँ जी, कोई बाहर का ना घुस जाए बिगर ऑथेंटिक पर्सन ही जंगल में रहे इसके लिए। ठीक है, 360 डिग्री होंगे। हाँ ये काफी हाई क्वालिटी कैमरा होता है, तो बहुत ही प्यारी मचान है, बहुत ही प्यारी। लंगूर भी हैं रोड में लेफ्ट साइड। हाँ जी हाँ, हमको रास्ते में देखा एक स्पॉटेड डियर जो कि बहुत ज़्यादा अलर्ट था और काफ़ी परेशान जैसा लग रहा था, लग रहा था जैसे कि इसको किसी से खतरा है। फ्लोरा दोनों का एंजॉय लेते हैं। कुछ बर्ड ऐसे हैं जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे बर्ड हैं जिनका हैबिटेट सिर्फ इंडिया है, जो बाहर नहीं मिलते। बर्ड्स का तो ऐसे ही होता है कि एक पर्टिकुलर हैबिटेट होता है। हाँ जी, अब जो हिमालयन बर्ड्स हैं वो आपको यूएसए में नहीं मिलेंगे, वो फ्रांस में नहीं मिलेंगे, और जो वहाँ मिलते हैं वो यहाँ नहीं मिलेंगे। टाइगर तो क्या कि टाइगर है, वो आपको यहाँ भी दिखेगा, सेंट्रल इंडिया में भी वही दिखेगा, अब साउथ में चले जाओ या इंग्लैंड के जू में जाओगे वही टाइगर होगा। बट बर्ड्स का बड़ा वो होता है अलग अलग, तो बहुत सारे बर्डर आते हैं यहाँ पे फॉरनर्स जो बर्डिंग में इंटरेस्टेड है। और कुछ बर्ड माइग्रेट करके भी आते हैं इंडिया। हाँ यहाँ पे इंडिया में भी माइग्रेट करके आते हैं, सिर्फ कॉर्बिट की बात करूँ, कॉर्बिट में भी माइग्रेट करके आते हैं, इसमें विंटर माइग्रेशन होता है। अभी हाल ही में हमारा एक सर्वे हुआ, बर्ड सेंसस हुआ था कॉर्बिट में। हाँ जी, 3 दिन का बर्ड सेंसस था, तो बहुत सारी ऐसी बर्ड्स, रियर बर्ड जो पहली बार देखी गई यहाँ पे, ऐसी बर्ड भी आई जो तिब्बत से आती है, हिमालय रीजन से, वहाँ से चाइना से आती है, ऐसी बर्ड्स भी कॉर्बिट में मिली। तो बहुत सारा माइग्रेशन होता है, विंटर माइग्रेशन, समर माइग्रेशन, गर्मियों में भी होता है, पैसिव माइग्रेशन भी होता है कि कुछ दिन के लिए बर्ड यहाँ पर आती है फिर कहीं और मूव कर जाती है। तो माइग्रेशन तो बर्ड्स का चलता रहता है, परिंदों के लिए कोई भी वो नहीं है, रोको कोई बॉर्डर आसमान है कहीं भी। हमको टाइगर के क्लो मार्किंग दिखे जो कि है जामुन के पेड़ में, और टाइगर अपने क्लो मार्किंग या पग मार्किंग जामुन के पेड़ में करता है। वो दर्शाता है कि मैं इतना बड़ा हूँ, अगर तुम मुझसे बड़ा होगा तो मेरे टेरिटरी में विजिट कर। बड़ी आगे बढ़ने के बाद हमको देखा है एलिफेंट, एलिफेंट एंड एलिफेंट का बेबी, जो कि एलिफेंट के जब बेबी साथ होता है तो एलिफेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसको ख़तरा महसूस होता है, तो उसने अपने मेल एलिफेंट को अलार्म कॉल या उनकी भाषा में अपने हाथी को बुलाया। थोड़ा सा आगे लगाते हैं वहाँ पे ना, चलो आएगी। ये संकेत दे रही है अपने ग्रुप को ना, तो अपने ग्रुप को बुला रही है, ये संकेत दे रही है कि इधर कोई खतरा है, तो आप जहाँ हो उधर रुक जाइए। अरे वाह, ये दोनों चीज़ें होंगी, हो सकता है ये टाइगर वो एलिफेंट बाहर आए, अभी देखते हैं, हम थोड़ा वेट करते हैं इसके। हाँ जी हाँ, 5 मिनट वेट करने के बाद एलिफेंट बाहर आया। ये देखिए नज़दीक से इसकी आवाज़ आ गई थी, ये देखिए, ये भी मैच्योर नहीं था दोस्तों, टाइगर से खतरनाक ये एलिफेंट होते हैं जंगल में। सही बात, एलिफेंट को देख के फिर हम निकल पड़े आगे की ओर। आपने कोठीरो एक गांव हुआ करता था, जो कोठीरो कोठीरो और झिरना और धारा, 3 गांव हुआ करते थे। जी अच्छा, 1994 में उसमें उत्तराखंड बना भी नहीं था, है उस समय गांव को रिलोकेट कर दिया गया आउटर एरिया में। ठीक है, चाहे ढेला में आप देखो लाल डांग के ग्रास लैंड, बिल्कुल, चाहे यहाँ कोठीरो के, जिन्ना के, धारा के ग्रास लैंड है, सब पहले गाँव हुआ करते थे। पौड़ी गढ़वाल, धारा में भी कभी सफारी हुई है? धारा में होती है, जिन्ना की सफारी जाती है, धारा तक का एरिया है हमारे पास, हम जाते हैं धारा घूमने भी जाते हैं, धारा का अच्छा जंगल है। सही है।
कल ट्राई करते हैं, कल जाते हैं। लेपर्ड लेपर्ड भी देखा हुआ है, लेपर्ड तो दिखता है लेकिन कम दिखता है क्योंकि यहाँ पे टाइगर का मूवमेंट ज्यादा है, और जहाँ टाइगर का मूवमेंट ज्यादा होता है उधर को लेपर्ड का थोड़ा कम होता है। अच्छा, तो गांव के एरियो में जो नियर बाय गांव है पार्क के बाउंड्री से लगे हुए, लेपर्ड का मूवमेंट ज्यादा होता है। अच्छा, ठीक है, मैंने लेपर्ड ऐसा नहीं कि नहीं दिखता, अगर आप टाइगर से कंपेरिजन करोगे तो टाइगर से कम दिखता है। अच्छा, ऊपर टॉप पर देखेंगे, उड़ रहे हैं, देखिए ऊपर उड़ भी रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं, देखो ना वहाँ पे। ओके, एक कहाँ बैठे हैं? इतने सारे बैठे हैं, ये तो बैठे हैं, देखो ये एक क्लिप पे बैठे हुए हैं। बहुत सारे ऊंचे क्षेत्रों में जब बर्फबारी हो जाती तो उस समय एक वल्चर्स नीचे आ जाते हैं। अरे वाह, देखो मिट्टी मिट्टी की स्लिप हो रहा है, मिट्टी टूट गया, गिर गई वहां से। वाह वाह वाह, और इन्हें देखना भी काफी, क्योंकि धीरे धीरे इनकी आबादी भी कम हो रही है। बिल्कुल सही, आईसीएन की लिस्ट में इंडेंजर्ड स्पीसीज में ये काफी कम हो चुके हैं, तो ये भी बहुत कम दिखाई देते हैं। एक दवाई आई थी ना डाइक्लोफेनाक, उससे इनकी काफी डेथ हो गई थी। अच्छा, तो पेन किलर पहले जानवरों को देते थे, फिर जानवरों को जब फेंक देते थे तो उन्हें गिद्धों ने खाया, गिद्धों की किडनी खराब हुई, बहुत सारे इफेक्ट हुए, तो गिद्ध खत्म हो गए थे एक बार। क्या बात है, तो धीरे धीरे दिखते हैं यहाँ झिरना, हमारे यहाँ पे झिरने में ही सबसे ज्यादा गिद्ध दिखते हैं। तो सुनते नहीं, कई जगह पे जानवरों को जहर देते हैं मारने के लिए, तो उसको खाने से दूसरे प्रजातियों को नुकसान होता ही है, उसके दूसरे प्रजातियों को, उसमें गिद्ध सबसे ज्यादा है, क्योंकि गिद्ध जो है स्कैवेंजर ऑफ द फॉरेस्ट है, सफाई कर्मचारी है, तो सारे सड़े गले मांस को खाते हैं। हाँ जी हाँ, जहर दोगे तो जहर खाएंगे तो फिर इनकी भी डेथ हो जाएगी। बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया, अच्छी नॉलेज दे रहे हैं भैया। देखिए किसी जमाने वाले जब गाँव था ना, ये गाँव की टंकी है, बिल्कुल हाई बैंक के नीचे है ये पानी की टंकी, तो अभी भी होता है ऐसे ही? नहीं, अब कुछ नहीं होता, अब इसमें पानी यानी होता नहीं है, लेकिन उस जमाने में गांव वालों की पानी की व्यवस्था के लिए सही बात है बनवाया गया था। अच्छा, जब से गांव रिलोकेट हुआ तो इसका यूज होता नहीं है जनरली यहां पे, फॉरेस्ट वालों ने अपनी उनकी अपनी लाइन है पर्सनल जिसमें यूज। बहुत बढ़िया, चलिए सर अभी समझो, जैसे इसके सिंह नए आया जो है जी, तो इससे लड़ाई तो नहीं कर सकता है। नहीं, अभी ये लड़ाई नहीं करेगा जब तक इसमें वेलवेट है। वेलवेट का मतलब है कि इसमें अभी ब्लड सर्कुलेशन चालू है, कुछ दिनों में सार्फ हो जाएंगे, उसके बाद ये हार्ड हो जाएंगे और उतर जाएगी वेलवेट ऊपर से, वेलवेट उतर जाएगी। दूसरी क्या होता है, डियर की अगर आप आंख देखोगे, आंख के नीचे एक हल्का सा होल सा दिखाई देगा तुम्हें। हाँ जी, वहां से एक सीरम सा निकलता है जिससे ये स्मेल करते हैं। अच्छा। तो फीमेल भी स्मेल करती है कि ये मेट के लिए रेडी है। एक तो जो ये आपस में लड़ते हैं और जो पावरफुल होता है उसके साथ मेट करती है, आवाजें जो सिंहों के लड़ने की, इस समय अगर ये लड़ेगा भी एक तो इसको चोट ज्यादा आएगी, दूसरा आवाज नहीं आएगी, तो उस लड़ने का फायदा नहीं, लड़ती है इसीलिए पहली हार मान लेगा। तो गौर करना, कभी उसकी आंखों के नीचे ना एक छोटा सा गड्ढा सा होगा, उससे भी मेटिंग टाइम पे सीरम कॉल बड़ी गंदी करता है, मेटिंग कॉल बड़ी गंदी करता है, मेटिंग कॉल तो गंदी होती है। अब ये तो गंदा और अच्छा कहने प्रकृति के ऊपर निर्भर है। सही बात है, एकदम ड्रावनी सी निकालता है आवाज जो है। हां, जैसे जैकल रोता है, जैकल रोता है, हाँ वो भी एकदम ठीक है, जंगल है ये। आपके अंदर पेशेंस है, फिर दूसरा जैसे आप इससे कर रहे हो तो आप जंगल को अपने टाइम दे रहे हो। टाइम का गेम है कि आप उतना नेचर को टाइम दोगे, नेचर आपको उतना ज्यादा देगी ना। सही बात, तो सारी चीजों का अब आए और टाइगर दिख गया, इसमें एंजॉय नहीं है। अब आए, आपने ढूंढा, आपने ट्रैक किया, आपने सारी मूवमेंट को एंजॉय किया, वो जंगल की असली सफारी है। टाइगर दिख जाना वो तो एक कोइंसिडेंट है, टाइगर दिखे तो उसकी खुशी। बाद में हम जो नाइट स्टे करते हैं वो अलग एक्सपीरियंस है जंगल में रहने का। अभी रात को फाटों में क्या हुआ, कॉलिंग शुरू हो गई। अभी इस तरफ गई नहीं है ना अपने, तीन चार दिन पहले स्टाफ से पूछना, पिछले हफ्ते की बात है। हाँ जी, गेस्ट रुके हुए थे तो हमने पूरी सफारी खत्म कर ली, तो हमें सफारी में तो टाइगर दिखा नहीं। हाँ जी, हम आउटरिंग कर रहे थे, हम कैंपस की साइड को गए नहीं, जैसे कैंपस में घुसे अंदर तो सारे स्टाफ वाले खड़े होकर देख रहे थे, हमें लगा पता नहीं क्या देखे, टाइगर ही दिख गया होगा, क्योंकि वैसे तो कुछ देखने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट होती नहीं है। हम कैंपस में आए, गाड़ी के ऊपर खड़े हुए, तो वहाँ मेल और फीमेल दो टाइगर थे, टाइगर और टाइग्रेस घूम रहे थे। तो जैसे ही हमारी गाड़ी के 5 मिनट बचे हुए थे, तो हम वो सीधी वाली रोड में ले गए, और देखिए तो टाइग्रेस बैठ गई नीचे हमें देख के। अब टाइम खत्म हो रहा था, हमारा ये टाइगर तो बैठ गया, अब वो पीछे से वीडियो जो बना रहे थे दूसरे टाइगर के बना रहे थे हमारे, वो कह रहे ना खड़ा है। मैंने कहा नहीं सर, टाइगर बैठ गया, आपको खड़ा कैसे दिख रहा है? वो
अगर आप वो झाड़ी के पीछे देखिए तो आपने देखा वो दूसरा टाइगर, फिर कैंपस आके भी हमने देखा, फिर पूरा ग्राउंड लेके फिर ये कैंपस के पीछे वाटरफॉल है, यहाँ पे भी आए। अच्छा, तो कई बार कैंपस से टाइगर दिख जाता है, अच्छा सफारी में दिखा, रहने का फायदा हो गया, रहने का फायदा हो गया, कहने का ही होता है, तुम नेचर को टाइम दे रहे हो तो उसका फायदा है। सही बात दोस्तों, सुन लीजिए भैया क्या कह रहे हैं, आप नेचर को टाइम दोगे तो ही मजा आने वाला है। मतलब शुरू करी थी, इसका बेसिकली मोटिव यही था कि लोगों में अवेयरनेस आए कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और नेचर क्यों इम्पोर्टेंट है। जो दिल्ली बम्बई चेन्नई बड़े बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं जहाँ पे जंगलों की कमी है, बिल्कुल इससे अवेयर कराया जाए कि नेचर क्यों, मेन फ्रेश ऑक्सीजन भी नहीं है, फ्रेश ऑक्सीजन नहीं है और ये हमारी ऑक्सीजन जो फैक्ट्री है जंगल वो करवाया जाए, इसलिए सफारी स्टार्ट कराई थी। ये तो धीरे धीरे आते आते टाइगर के एक ओरिएंटेड हो गया वो, नहीं तो जैसे आज छोटे बच्चे आ रहे हैं कल को उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो वो अपने बच्चों को बताएंगे, धीरे धीरे ये क्या जनरेशन टू जनरेशन ये नॉलेज जब तक नहीं जाएगी लोगों के, क्यों इम्पोर्टेंट है एनवायरमेंट जंगल फॉरेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, उसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए बहुत जरूरी है। सही है, यहाँ पे ऑनलाइन है और दो रूम ऑफलाइन है, ऑफलाइन है हाँ जी। और उसके अलावा ढेला में, ढेला में 15 जिप्सियां हैं, बाकी दो वहाँ स्टे के रूम है, स्टे की जिप्सी फिर भी ठीक है, कंट्रोल में है यहाँ तो। नहीं सर यहाँ तो लिमिटेशन है, ऑनलाइन फाटो में देखा नहीं 50-50 जिप्सी डाली हुई है, नहीं यहाँ पे लिमिटेशन है अकॉर्डिंग टू NTCA के रूल के साथ, जंगल बड़ा है यहाँ जी रास्ते के। रंजीत जी से बात कर करके हमारी नजरें चारों तरफ थी, हम तलाश में थे टाइगर के। पास आधे घंटे का वक्त और था और इस आधे घंटे के वक्त में बारिश आ चुकी थी, तो हम हाइक बैंक पे खड़े थे, हम देख रहे थे स्पॉटेड डियर को, तो आधे घंटे का टाइम था तो हमारे गाइड जी ने कहा कि चलते हैं आगे की ओर। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं था लेकिन थोड़ा मन निराश था, हम लोग कहते हैं ना मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, तो ऐसी मेहनत का फल इतना अच्छा मिला ये मैंने कभी सोचा नहीं था। 10 बार टाइगर को देख के तब जाके ये सेटिंग होती है, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा हुआ, टाइगर बिल्कुल मुझे पहली वीडियो में बिल्कुल नहीं दिखा, दूसरे में ऐसा चीज दिखा, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट साइटिंग रही आज तक की रिकॉर्ड में, सबसे बेस्ट साइटिंग रही, मैंने इसके बारे में कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो चलते हैं, हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमको रैंडमली कुछ इस तरीके से साइटिंग हुई, जिरना जोन सर स्लॉथ बियर दिख गया, भालू जिरना में दो थे, एक तो भाग गया फटाफट, भालू गाइस भालू, बोला मत बोला मत, चलो कुछ टाइगर से बड़ी साइटिंग, स्टार्ट मत करो स्टार्ट मत करो स्टार्ट मत करो, दिख गए हैं भालू और दो थे, दो एक तो चला गया था ऊपर को, बट अभी एक और निकलेगा, अभी और निकल सकते हैं तो क्या फिर? सुपर अल्टीमेट दोस्तों, गाइस तो यार फाइटिंग फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस यार, वाओ दोस्तों। स्लॉट बेयर चले गए थे नीचे वाले रास्ते में, हम उधर को जा रहे थे तब हमारे गाइड जी ने कहा कि हमारे पास वक्त कम है, फिर हम निकल पड़े अपने कैंपस की ओर, क्योंकि साइटिंग काफी अच्छी हुई, जबरदस्त हुई, अच्छे से दिखा भाई। जब 10 बार टाइगर दिखता है तब जाके भालू दिखता है, भालू की सेटिंग बहुत ज़्यादा रेयर है, क्योंकि इसकी कोई अलार्म कॉल ना कोई अलर्ट कॉल कोई कॉल नहीं होती है,
तो चलते हैं अपने कैंपस की ओर। आपको जबरदस्त ये डोबरा जी दिखा रहे हैं और खुद की सेटिंग दिखा रहे हैं। पूरे महीने में इतनी सेटिंग कम होती है कि आपको भालू दिखेगी। क्या बात है, पूरी सफारियों को। अच्छा, सफारी को भालू की सेटिंग बहुत कम होती है जैसे आपको दिखे। और हमारा डोबरा जी तो फिर अपना गिरेट नहीं। डोबरा जी तो डोबरा जी है, कमल डोबरा जी, कमल डोबरा और बहुत है जी। भालू आप ये मान लीजिए कि महीने में हमें भी अगर दिखते हैं, अगर हम सफारी आएंगे 15 दिन भी 20 दिन भी करते हैं, अच्छा, तो 20 दिन में भालू कम से कम एक दो बार ही दिखेगा। और अगर एक बार भी दिख गया तो बहुत ही बड़ी रेयर बात है। या हमारे सारे तीन तीन नेट अपना यहाँ पे हम करते हैं, अच्छा, पर भालू सर मेरे ख्याल से अभी तक हमें दिखे नहीं है। अभी हमें दिखा है दो, अच्छा, मेल और फीमेल। तो दोस्तों कैंपस में आकर हम कैंपस के चारों ओर घूम रहे थे, कैंपस के अंदर। तो आज जबरदस्त माहौल रहा और जो हमारे गाइड आए थे रंजीत जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें नॉलेज दी जिन्ना जोन के बारे में। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को करना लाइक, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। सुपर अल्टीमेट दोस्तों, गाइस, दो वी आर फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस।